बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स यू आर वेलकम एट द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टार्स अकेडमी हेड ऑफिस अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर दिस इज़ अ कंप्लीट ई लर्निंग एप एंड टुडे वी हैव टू डिस्कस फ्री कंटेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुडे इज बीइंग डिस्कस बाय मी टाइप्स ऑफ एट इट डियर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में अगर हम कैटेगराइज करें तो टू टाइप्स ऑफ़ सेंटेंसेज जो है हमारे सामने आती हैं दीज आर टू डिफरेंट कैटेगरीज एंड अंडर दीज कैटेगरीज वी हैव टू डिस्कस फर्दर वाट इज़ इनसाइड इन ईच कैटेगरी फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन वाइज एंड सेकेंड इज स्ट्रक्चर वाइज डिस्ट्रेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस में यानी सेंटेंस को जो है वो टू टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है ओवरऑल और उसमें एक फंक्शन वाइज है और दूसरा स्ट्रक्चर वाइज है फंक्शन वाइज़ देखते हैं कि क्या कैटेगरीज बनती हैं फंक्शन वाइज़ में एक डिक्लेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस होता है इसी तरह इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंस है डियर स्टूडेंट टूडेंट सेंटेंसेस भी होते हैं और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं अगर हम अपनी जो शिफ्ट करें फंक्शन वाइज से स्ट्रक्चर वाइज की तरफ तो यहाँ देखें सिंपल टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी हैं और कंपाउंड भी और उसके बाद कॉम्प्लेक्स और फिर लास्ट में कंपाउंड कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंटेंसेस भी मौजूद होते हैं इन सब की डिफरेंट रिकोगग्निशन है इनकी अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन है वी हैव टू प्रोप डीप डाउन इनटू ईच एंड एवरी टाइप सो डैट वी कैन मास्टर ओवर ऑल दीज थिंग्स डे स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं ड्यू टू लिटल शॉर्टेज ऑफ टाइम वी हैव टू गो टर्ड्स दिस वेरी वन tell something it means if we talk about declarative type of sentences declarative sentences talk about something it means it gives us a little bit information about the happenings in a structure in a sentence just like this we study morphology and you know in the end of the expression we have punctuated a dot because this is the identification of a declarative sentence it always ends with a period or a dot or a stop. Moreover, we have information over here in this particular expression. We study morphology. iska matlab ye hua ki ek simple structure है, एक simple sentence है और उस sentence के अंदर हमें एक information मिली कि what we study, we study morphology. और sentence के last में dot भी place किया गया है. इसके बाद देखते हैं. इससे पता चला कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस इसमें कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ दिस टाइप यू नो समथिंग 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 इज 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 डिक्लेयर्ड स्टेटेड दिसब्ड इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड नाउ मूव अहेड गिव्स अ कमांड और रिक्वेस्ट एटसेट्रा इट मीन्स वेन वी टॉक अबाउट इम्पेरेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसिस इंपेरेटिव सेंटेंसिस ऑलवेज एंड एट अ डॉट और एन एक्सक्लेमेटरी मार्क्सम टाइम्स बिकॉज

हॉल्ट के बाद आप देखिए जस्ट वन वर्ड है ये हॉल्ट और उसके बाद मैंने डेलिब्रेटली कलर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पंक्चुएट किया है वैसे तो इंपेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में डॉट भी आता है ठीक है लेकिन साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी आता है तब जब बहुत ज्यादा शदीद किस्म का जो है वो इंटेंसिव किस्म का ऑर्डर जो है पुट किया गया है जैसे हॉल्ट आर्मी में ये टर्म है ये टर्मिनोलॉजी है कि जब किसी को जो है वो विद क्वाइट स्ट्रेस के साथ जो है वो कोई कमांडमेंट पास की जाती है तो कहा जा सकता है हॉल्ट हॉल्ट मीन नाउ स्टॉप यू नीड नॉट टू मूव हियर एंड देयर अदरवाइज यू विल बी शॉट डाउन डेड एट द स्पॉट इसका ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा शदीद इसमें बहुत इंटेंस किस्म का जो है वो ऑर्डर है बहुत टफ uh, किस्म का जो है वो कमांडमेंट है हॉल्ट तो ये टिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल हमारे पास पास हमारे पास आ गया जिसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी मौजूद है नाउ मुफ्टी है फंक्शन वाइज में चार में से दो पॉइंट को डिस्कस किया विद एग्जाम्पल्स अब हम स्ट्रक्चर वाइज में बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर वाइज में भी कुछ दो एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं स्पोज सिंपल टाइप ऑफ सेंटेंस जो है स्ट्रक्चर वाइज वो कैसा होता है उसकी एग्जाम्पल जो है देने से पहले मैं उसकी आइडेंटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करता चलूँ यहाँ पर एग्जाम्पल से पहले इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है वन इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स के सिंपल सेंटेंस वो होता है इन विच देर अ सिंगल स्टेटमेंट एंड कंप्लीट सेंस और मीनिंग जिसमें पूरी मीनिंग मौजूद हो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो एंड विदाउट विच किसी और चीज के बगैर जो है उसको कोई जो है कम्पलीशन की जरूरत ना हो मीन अ स्टेटमेंट दैट गिवस अस अ कम्प्लीट सेंस डैट इज एक्चुअली एन इंडिपेंडेंट क्लॉज जस्ट लाइक दिस एग्जाम्पल द डॉग बास बिकॉज दिस इज ट्रांसिट इट डजेंट नीड एनी अदर थिंग टू बी कंप्लीटेड दैट्स वाई द डॉग बाक्स

कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो है स्ट्रक्चर वाइज वो कैसे होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन देखते हैं वन इंडिपेंडेंट लुक वन इंडिपेंडेंट एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस इट मींस इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस वी हैव अ सिंगल इंडिपेंडेंट एंड वन आर मोर देन वन डिपेंडेंट क्लॉजेज इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन मेन क्लॉज जिसमें तमाम बात जो है वो मुकम्मल होगी और डिपेंडेंट क्लॉज मीन जो अपनी सेंस को थोरली और कम्प्लीटली कन्वे ना कर सकती हो अदर दैन किसी और एग्जाम्पल या किसी और चंक ऑफ स्टेटमेंट के साथ मिलकर तो हम देखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट uh, है हमारे पास ये एग्जाम्पल है बिकॉज बिकॉज से शुरू हुआ और आपको पता है कि बिकॉज जो है uh, ये एक कंजंक्शन uh, भी है और uh, बिकॉज से स्टेटमेंट शुरू हुई है बिकॉज द सूप वॉज टू कोल्ड यहां तक जो है डर स्टूडेंट मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ बिकॉज द सुप वॉज टू कोल्ड अलॉन्ग विद कॉमा ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गई डिपेंडेंट क्लॉज है बिकॉज से शुरू हुई और ये डिपेंडेंट क्लॉज है और एक ही क्लॉज है इसके बाद कॉमे के बाद देखते हैं आई वॉन्ट इट इन द माइक्रोवेव और अब जो है यहाँ पर जो मैं दूसरी क्लॉज को अंडरलाइन कर रहा हूँ रेड से ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन क्या थी मैं इसको लिख भी रहा हूँ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज और ऊपर वाले को जो मैंने ग्रीन से जिसको अंडरलाइन किया ये क्या है जी ये डिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट क्लॉज है dependent C है और ये इंडिपेंडेंट सी है डिपेंडेंट क्लॉज को आप सेपरेटली स्टडी करें और इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप सेपरेटली स्टडी करें दोनों को सेपरेट जो है मोड में रख कर स्टडी करें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अनलेस अरटिल द इंडिपेंडेंट क्लॉज कम्स द होल एरिया इज़ नाट वर्दी टू बी और लाइएबल टू बी अंडरस्टूड एट ऑल तो तब तक हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे अगर हम ऐसे बोलें बिकॉज सू वॉज टू कोल्ड और आगे हम ना पढ़ें आगे हम ना अंडरस्टैंड करें कि क्या लिखा है तो ये इनकम्प्लीट सेंस देगा इसलिए डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट क्लॉज को किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज की मदद की ज़रूरत है उसके साथ वो अटैच होगी तो ये सेंटेंस जो पहले वाला है वो कम्प्लीट सेंस देगा हमें आई वॉम इट इन द माइक्रोवेव ओके सो हमने अभी तक जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में दो डिफरेंट कैटेगरीज को स्टडी किया फंक्शन वाइज और स्ट्रक्चर वाइज अब चलते हैं हम फ्रेजेस uh, और क्लॉजेस की बात करने के लिए जब आप फ्रेज और क्लॉज की बात करते हैं डियर स्टूडेंट तो इसमें भी कुछ कैटेगरीज uh, हैं सपोज uh, हमारे पास जो है वो प्रपोजिशनल जो है वो uh, फ्रेज़ भी होती हैं नाउन फ्रेजेज भी हैं और पार्टिसिपल फ्रेज भी मौजूद हैं ठीक है और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेजेज हैं तो ये तीनों टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हमारे पास हैं इसी तरह से क्लॉजिज में इसेंशियल क्लॉज और नॉन इसेंशियल क्लॉज ये दोनों कैटेगरीज भी हम डिस्कस करते हैं अभी आप तो कीजिएगा कि प्रपोजिशनल फ्रेज और जो है वो नॉन फ्रेज और पार्टिसिपल फ्रेज इसी तरह इसेंशियल क्लॉज नॉन इसेंशियल क्लॉज को डिस्कस करने से पहले जो इंपॉर्टेंट बात है जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है वो क्या वाट इज डैट वाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू बी नोन दिस इज एक्चुअली रिगार्डिंग फ्रेजिज एंड क्लॉज वाट इज फ्रेज फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स माइंड इट एंड क्लॉज इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज व क्लॉज में डिफरेंस क्या है कहाँ डिफरेंस लाए करता है डियर स्टूडेंट फ्रेज जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और इसमें जो है वो सेंस की कमी मौजूद होगी मीन्स इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जस्ट लाइक अ फ्रेगमेंट जस्ट लाइक अ सेंटेंस बट इट डजेंट कन्वे अस थॉरो और कंप्लीट सेंस बट एज फार एज क्लॉज इज कंसर्न क्लॉज इज जस्ट लाइक अ टाइनी और अ स्मॉल सेंटेंस इट कैन बी डिवाइडेड इंटू नॉन इसेंशियल और इसेंशियल क्लॉजिज और इसको आप सेंटेंस ही कह सकते हैं क्लॉज को डैट्स वाई डिफरेंस आपको याद रखना होगा अ लिटल बिट कम इसमें सेंस होगा फ्रेज में और क्लॉज में ज्यादा सेंस होगी होंगे दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स अब चलते हैं हम प्रपोजिशनल uh, फ्रेज की कोई एग्जाम्पल शेयर कर लेते हैं मैं आपके साथ एक प्रपोजिशनल फ्रेज की एग्जाम्पल शेयर करता हूँ लुक The sun sets in the west. The sun sets in the west. Dear student, this is a statement, and we have to identify.

हम इसको इस पूरे एरिया के साथ मिलकर पढ़ेंगे तो ये कंप्लीट सेंस देगा तो हम इसे क्या बोलेंगे प्रेपोजिशनल फ्रेज ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है एरिया ओके okay? इसी तरह से अब हम बात करते हैं इसेंशियल क्लॉज की इसेंशियल क्लॉज में कोई एग्जाम्पल जो है वो शेयर करते हैं डॉग्स That like cats are very unusual, unusual. Dear students. अब यहां पर गौर कीजिएगा डॉग्स डैट लाइक कैट्स आर वेरी अनयूजल इसमें क्या है वी नीड नो कॉमा और एनी अदर सेपरेटर टू डिवाइड दिस स्ट्रक्चर एट एनी लेवल बिकॉज हर चीज जो है वो नेसेसरी है इसलिए मैं इसको इसेंशियल क्लॉज की एग्जाम्पल कहूंगा इसमें एवरीथिंग एसेंशियल है एवरी थिंग इज इसेंशियल डिफाइनिंग क्लॉज है ये इसेंशियल क्लॉज है ये डैट जो है डैट यह डिफाइन कर रहा है डॉग्स को कि कौन से वाले डॉग्स जो कैट्स को लाइक करते हैं वो बहुत रेयर होते हैं ओके सो डैट्स वाई ऐसे स्टेटमेंट्स ऐसी एग्जाम्पल्स ऐसी जो है वो स्ट्रक्चर्स जिसमें कोई डिफाइनिंग वर्ड मौजूद हो लाइक like डैट वो इसेंशियल क्लॉज कहलाएंगे और जिनमें कोई कॉमा वगैरह आएगा एक्सप्लेनेटरी तो फिर वहाँ पर नॉन इसेंशियल क्लॉज की जो है वो कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी इन दिस वे माई डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू रिकैप नाउ वाट इज़ दैट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज में देर आर टू कैटेगरीज फंक्शन वाइज एंड स्ट्रक्चर वाइज एंड इन फंक्शन वाइज वी हैव डिक्लेरेटिव इम्पेरेटिव इंट्रोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी एंड when we talk about structure wise here we have simple compound and complex and in the last compound complex type of structures और उसकी हमने examples भी share की और उनकी identification भी हमारे सामने आ गई और इसके साथ साथ हमने phrases and clauses की बात की फ्रेजिज़ एंड क्लाजिज़ के अंदर हमने देखा कि प्रापोजिशनल फ्रेजेज भी होती हैं व फ्रेज भी होती हैं नाउ फ्रेज भी होती हैं और इसके अलावा पार्टिसिपल फ्रेजेज भी होती हैं हमने उनमें से किसी कि एक की एग्जाम्पल भी शेयर की फिर क्लाजिज़ में चलते हैं तो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्लाजिज़ की बात हुई और हमने इसेंशल क्लॉज को जो है वो जस्टिफाई भी किया आई होप कि आप लोगों के लिए ये आज का फ्री कॉन्टेंट लेक्चर जो है वो सूटेबल होगा और बहुत ज़्यादा वर्दी टू बी आप कह लें कि यूज़फुल होगा इनशाला थैंक यू वेरी मच गॉड ब्लेस यू